हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप लोग ऐसे स्थान पर बैठ जाइए कि आवाज़ सुनाई दे, छाया देख करके जहाँ आपको सुविधा वहाँ बैठिए, आवाज़ सुनाई पड़नी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप लोग अब जानते नहीं है तो आप जानते हैं, चाहिए दो तीन लाइन में बोल देना चाहिए बस। वृंदावन कुंड की जय। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। और आज हमारे बीच में है परम पूजनीय वृंदावन चंद्रदास गोस्वामी महाराज। हरि बोल। महाराज का संक्षिप्त में मैं एक परिचय देना चाहूंगा। महाराज ने मार्च 1977 में इस्कॉन ज्वाइन करा और महाराज जी को सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी के दर्शन हुए जून 1977 में। हरि बोल। और दिसंबर 1977 में महाराज जी का हरिनाम दीक्षा हुआ परम पूजनीय राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज के द्वारा। फिर महाराज जी का 1981 जनवरी में परम पूजनीय राधा गोविंद महाराज से पूरा बायोडाटा मत पढ़। और महाराज जी बिहार में और विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में भारत के प्रचार कर रहे हैं। और अभी कुछ साल पहले महाराज जी को परम पूजनीय राधा गोविंद महाराज द्वारा संन्यास आश्रम ग्रहण हुआ और महाराज जी पिछले 40 साल से वृंदावन में रह रहे हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आपका बहुत भारी सौभाग्य है, ब्रज मंडल में आने का सुयोग प्राप्त हुआ। और जगह तो व्यक्ति अपनी योजना से जाता है, लेकिन ब्रज में राधा रानी के कृपा से ही व्यक्ति आ पाता है। तो ब्रज में जो आए हैं तो इससे स्पष्ट है कि उन पर राधा रानी की कृपा है। आप लोग कई एक स्थान का दर्शन कर रहे हैं, उसी क्रम में अभी आप पहुँचे वृंदा कुंड पर। यह वृंदा कुंड है, वृंदा देवी के नाम से यह कुंड है। वृंदा देवी
का वृंदावन से बहुत घनिष्ठ संबंध है। वैसे कई एक वृंदा देवी हैं और हम उस उलझन में न पढ़ करके कुछ कुछ बात को कहूँगा। आप जानते हैं भगवान का जन्म हुआ मथुरा में कंस के जेल में, लेकिन भगवान अपने माता पिता के साथ एक रात्रि भी नहीं रह पाए। जिस रात्रि में जन्म हुआ उसी रात्रि में उनको गोकुल में महावन में पहुंचा दिया गया। एक प्रश्न पूछा गया है कि भगवान को गोकुल में क्यों पहुंचा दिया गया। कोई कह सकता है कि भगवान को कंस से भय होगा, लेकिन कह रहे कि ना कस्मान मुकुंदो भगवान, वे तो भगवान हैं, सबको मुक्ति देने वाले हैं, और कम से कम अपने माता पिता को जेल से तो मुक्ति देना चाहिए। सबको भवसागर से मुक्ति देते हैं, तो कस्मान मुकुंदो भगवान ब्रजम गता, तो मथुरा छोड़ करके ब्रज में क्यों चले गए। उसका कारण तो स्पष्ट दे रहे हैं कि भगवान को भय नहीं था, वे तो भगवान हैं, तो फिर क्यों गए। उसका कारण है कि भगवान के माता पिता बहुत भयभीत थे, देवकी बहुत भयभीत थी कि इतना विलक्षण लड़का है, अब इसको हम कहाँ छिपाएंगे। चार भुजा है, ये तो जहाँ जाएगा सब लोग का ध्यान चला जाएगा, तो बड़ा चिंता में पड़ गई और अपने भय को प्रकट की भगवान से कही। तो भगवान कहे कि यदि आप लोग भयभीत हैं तो गोकुलम माम न, हमको गोकुल पहुंचा दीजिए। तो भगवान के योजना से ही, भगवान के इच्छा से ही उनको गोकुल में पहुंचा दिया गया, महावन में पहुंचा दिया गया। और भगवान वहां रह रहे थे, लेकिन वहां भी बहुत बहुत उत्पात होने लगा। बड़े भयानक असुर वहां आते थे और असुरों का जो व्यवहार था तो उसे स्पष्ट दिखता था वे भगवान का कृष्ण का वध करना चाहते हैं, कृष्ण बलराम को मारना चाहते हैं। अब भगवान पर वहाँ बहुत बहुत संकट को देख करके ब्रजवासी बहुत भयभीत हो गए और एक मीटिंग किए। गांव में एक मीटिंग का स्थान था, वहाँ सब जुट करके और ब्रज कार्यम मंत्रयन, वे ब्रज के भविष्य के विषय में, ब्रज के रक्षा के विषय में विचार विमर्श करने लगे। और श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है कि उन गोपों में एक बड़े ही बुद्धिमान गोप थे, उनका नाम था उपनंद महाराज। वे नंद बाबा के भाई हैं, बड़े भाई हैं, लेकिन उनका नाम उपनंद है। ऐसा देखा जाता है कभी कभी माता पिता एक जैसा नाम रखते हैं। तो पहले उपनंद नाम रख दिए थे एक पुत्र का, फिर दूसरा पुत्र हुआ तो नंद रख दिए। जनरली छोटे के अर्थ में उप शब्द का प्रयोग होता है। वे राष्ट्रपति है तो उसे छोटा पद उपराष्ट्रपति है, लेकिन ये उपनंद शब्द है लेकिन इस अर्थ में नहीं लेना चाहिए। उनका स्पष्ट परिचय दिया गया है ज्ञान वयोधि का, वे ज्ञान और उम्र दोनों में भी श्रेष्ठ थे, दोनों में बड़े थे, ज्ञान के दृष्टि से भी और वय मतलब उम्र के दृष्टि से। तो वे सब स्थिति को प्रस्तुत किए
कि यहाँ तो बहुत बहुत उत्पात हो रहा है और बाला नाम ना सहित तो उत्पात का विश्लेषण करेंगे तो एक बात स्पष्ट होगी कि सेंटर में बच्चे हैं, बच्चों को मारना चाहते हैं। तो अपनी चिंता व्यक्त किए कि बच्चों का ही नाश हो जाएगा तो ब्रज का भविष्य तो अंधकार में पड़ जाएगा। अरे मान लीजिए कि कोई बूढ़ा व्यक्ति मर गया, उसका नाश हुआ, तो युवक हैं, बच्चे हैं, तो वे आगे के कार्य को संभाल लेंगे। लेकिन यदि बच्चे नष्ट हो गए तो बूढ़ों को तो मरना ही है, तो अब भविष्य तो एकदम अंधकारमय हो जाएगा। तो विचार प्रस्तुत किए कि इस स्थान का हम लोगों को त्याग कर देना चाहिए। तुरंत एक ऑब्जेक्शन खड़ा होगा, कह रहे भाई एक नीति का सिद्धांत है कि जब तक आगे का स्थान देख नहीं लेते हैं तब तक जहाँ रह रहे उसका त्याग नहीं करना चाहिए। माँ समीक्ष परम स्थानम पूर्व माँ तयनम त्यजेत, जब तक आगे कोई आवास देख नहीं लिए तब तक जहाँ रह रहे वो कैसे त्यागेंगे। तो उपनंद बाबा कहे कि हम देख लिए हैं, तो स्थान का परिचय दे रहे हैं। वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकानन, वे कहे कि देखो हम इस स्थान को छोड़ने का ऐसे ही प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं। वे एक तरह से व्यंग करने लगे, आक्षेप करने लगे कि तुम लोग तो अपने काम धंधे में लगे रहते हो, खेती गृहस्थी, गाय बछड़े, दौरी दुकान, कभी ब्रजमंडल की परिक्रमा करते नहीं हो। लेकिन हम 11 साल के थे तभी अपने पिताजी के साथ पूरा ब्रजमंडल का परिक्रमा किए हैं और हम एक बहुत अच्छा स्थान देखे हैं, और ऐसा नहीं कि पहले देखे हैं उसी पर हैं। हमको आज चिंता नहीं है, जब से संकट आ रहा है ये पुतना आई बध करने का प्रयास की बच्चों का, वो बवंडर आया आकाश में उड़ा करके ले गया, वो गाड़ी उलट गया, ये वृक्ष गिर गया, कोई एक उत्पात हो रहा है, तो हमें नींद नहीं आ रही है। तो अभी हम जा करके एक स्थान देखे हैं और उस स्थान का परिचय दे रहे हैं कि वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम, एक स्थान है उसको वृंदावन कहते हैं। वो वृंदावन कहने का आशय है कि वह वृंदा देवी का वन है। तो उपनंद बाबा एक तरह से कह रहे हैं कि वृंदा देवी अपने पातिव्रत्य के लिए प्रसिद्ध है और उनका पातिव्रत्य इतना प्रबल है कि उस पातिव्रत्य के प्रभाव से उस क्षेत्र में किसी असुर का प्रभाव नहीं काम करेगा। पातिव्रत्य का बहुत तप होता है। चैतन्य चरितामृत में एक पतिव्रता ब्राह्मणी की कथा है कि सूर्य के गति को रोक दी, तो वृंदा देवी भी अपने पातिव्रत्य के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। तो उपनंद बाबा का आशय है कि वो ऐसा क्षेत्र है, वो वृंदा देवी का क्षेत्र है और उसके पातिव्रत्य के प्रभाव से उस क्षेत्र में असुरों का प्रभाव नहीं काम करेगा। तो परिचय दे रहे हैं कि वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम, एक पशुओं के लिए बहुत अच्छा है और वहाँ के वृक्ष अभी नए नए हैं और गोप गोपी गवाम सेव्यम, वो गायों के लिए, गोपों के लिए, गोपियों के लिए बहुत सुखद है। और पुल्यादि तृण विरुध, वहाँ पवित्र पर्वत है और पवित्र लता है, औषधि है, तो बहुत सुंदर वन है। तो वृंदावन का परिचय दे रहे हैं और वृंदावन नाम से ध्वनित है कि वृंदा देवी के द्वारा पालित वन है
और यह स्थान है वृंदाकुंड। किसी किसी के मन में अब कौतुक होगा कि वृंदाकुंड और वृंदा देवी वृंदावन में क्या रिलेशन है। तो समझना चाहिए कि वृंदावन वृंदा देवी की तपह भूमि है, वहीं तपस्या की है। और यह जो वृंदाकुंड है तो वह वृंदा देवी का या वृंदा देवी का एक कार्यालय जैसा है, ऑफिस जैसा है। वृंदा देवी भगवान के सेवा का देखभाल करती है। कब कैसी सेवा की आवश्यकता है और इसके सारी व्यवस्था वृंदा देवी करती है। तो वृंदा देवी का एक तरह से आवास है, ऑफिस है, और यहीं से भगवान के सेवा के लिए अपने दासियों को, अपने अधीनस्थ व्यक्तियों को ट्रेनिंग दे करके भेजती है। और वृंदा देवी भगवान के लीला के संपादन के लिए कई एक लोगों को सेवा में नियुक्त करती है। आप लोग मंगला आरती के बाद रोज प्रार्थना करते हैं, सेवा अधिकार दिया कर निज दासी। भगवान विविध प्रकार की लीला करते हैं तो किस लीला में किसको किस रूप में सहायता करना है यह सब व्यवस्था वृंदा देवी करती। और खास करके भगवान के सेवा में पक्षियों का बहुत भारी योगदान है, उनकी बहुत भारी भूमिका है। तो ऐसा देखा जाता है कि यहाँ पक्षियों का बहुत निवास है और वृंदा देवी पक्षियों को ट्रेनिंग देती हैं और भगवान की सेवा के लिए सहायता में उनकी नियुक्ति करती है। एक दो उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि वृंदा देवी कैसे कैसे ट्रेनिंग दे करके लोगों को नियुक्त करती है। देखिए बहुत ऊंची बात है, लेकिन चूंकि आप वृंदाकुंड पर बैठे हैं तो हमको इन सब बातों को कहने में बहुत संकोच नहीं है। गौड़ीय संप्रदाय में बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है गोविंद लीलामृत, जो निकुंज के या राधा कृष्ण के मधुर लीला का चिंतन करते हैं और उसका आधार ग्रंथ है गोविंद लीलामृत। जो जिस ग्रंथ को चैतन्य जिस व्यक्ति ने चैतन्य चरितामृत की रचना किया है वही व्यक्ति गोविंद लीलामृत की भी रचना किए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो आप गोविंद लीलामृत पढ़ेंगे तो उसमें निशांत लीला का वर्णन है, प्रिया प्रियतम निकुंज में शयन किए हैं, रात्रि में राधा कृष्ण एक साथ सोते हैं और सोने में इतना सुख है कि राधा रानी जग जाती हैं, लेकिन फिर भी अपने अंग को थोड़ा भी हिलाती भी नहीं है कि प्रियतम का कृष्ण का निद्रा भंग न हो। और भगवान भी यद्यपि जग जाते हैं लेकिन वे भी अपने अंग को नहीं हिलाते हैं कि राधा रानी के सुख में कोई बाधा न पड़े। और दोनों निकुंज में सोए हुए हैं, रात्रि व्यतीत हो गई। अब तो जो भगवान के सेवक हैं वृंदा देवी जिनकी वहाँ नियुक्ति की है तो उनको बहुत भारी चिंता लग जाती है कि इस अवस्था में लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। और कई एक लोग कई एक विधि से प्रयास करते हैं, बंदर इत्यादि भी जा करके आवाज़ करते हैं और वहाँ पक्षियाँ जा करके कृष्ण को और राधा रानी को प्रबोध देती। तो ट्रेनिंग इसी स्थान पर दिया जाता है, वृंदा देवी देती है।
जैसे वहाँ पक्षी जा करके बोलते हैं, सुख सारिका बोलते हैं। एक श्लोक में कहा गया है, जही ही निद्रा माँ जही, माँ जही लोक लज्जा। ये पक्षियाँ राधा रानी को उपदेश दे रही हैं, कह रहे निद्रा का त्याग करो, लोक लज्जा का त्याग मत करो। भाई अब निकुंज में कृष्ण और राधा को एक साथ सोए हुए देख ले जटिला, तो अब क्या स्थिति होगी? राधा रानी की सास देख ले तो राधा रानी की कितनी बदनामी होगी। तो पक्षियां जा करके कहती हैं कि माँ जही लोक लज्जा, अरे लोक लज्जा का त्याग मत कीजिए, निद्रा जही ही निद्रा का त्याग कीजिए। और सिद्धांत दे रही है कि जो बुद्धिमान लोग हैं तो समय के अनुरूप कार्य करते हैं, तो यह अब सोने का समय नहीं है, जल्दी से यहाँ से निकल करके अपने घर जाइए। तो पक्षियाँ जा करके उपदेश देती हैं। तो हमारे कहने का आशय यह है कि यही स्थान है जहाँ पक्षियों की ट्रेनिंग होती है। प्रिया प्रियतम के सेवा में कैसे सहायता करना है, तो ट्रेनिंग का स्थान यह है। और वृंदा देवी इंचार्ज है, सबको ट्रेनिंग देती है। आप भी तुलसी वंदना में प्रार्थना करते हैं और आपकी प्रार्थना स्वीकार हो जाएगी तो इसी स्थान पर ट्रेनिंग मिलेगा, कैसे प्रिया प्रियतम की सहायता करनी है। और इस दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वैसे भी आप देखेंगे तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो शांति का है, और ये लगता है कि कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का यहाँ एटमॉस्फेयर है, ये अच्छा सेंटर है। और वृंदा देवी के कृपा से प्रिया प्रियतम के सेवा में प्रवेश मिलता है। और इस स्थान पर आने पर वृंदा देवी कृपा करती हैं और उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हमको भी प्रिया प्रियतम की सेवा में नियुक्त करें। और ब्रज के सब स्थान महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वृंदा कुंड का सेवा के दृष्टि से बहुत भारी महत्व है। तो यह मंदिर है, वृंदा देवी यहाँ स्थापित है, उपस्थित हैं, और उनके चरणों में हम लोग प्रणाम करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे। लाला आलो।